अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा था यार, आज है वीकेंड, और वीकेंड जो है वो हर उस बंदे के लिए जो 9 to 5 जॉब करता है, या स्कूल के बच्चों के लिए, इवन के कॉलेज के बच्चों के लिए भी किसी ब्लेसिंग से कम नहीं होता। जब भी कभी वीकेंड आता है तो जब सुबह उसके अम्मी या उसके घर वाले उसको उठाते हैं तो वो कहते हैं कि यार आज तो रहने दो, आज तो इतवार है, तो मतलब आज सोने दो। तो सेम उसी तरह हमारा भी जो वीकेंड है, जो वीकेंड की गुड मॉर्निंग होती है वो भी तकरीबन 12 बजे, 1 बजे और 2 बजे होती है। तो सेम इसी तरह हम अभी उठे हैं, तकरीबन 2 बजने को हैं, और अभी जो नाश्ता वगैरह होता है और जो खाना वगैरह होता है वो एक साथ ही होता है। तो ये हैं जी उसी तरह हमारे रुस्तम भाई, ये अभी अशकंजवी पी रहे हैं और साथ उछने के साथ, और ये चिकन, हाँ कलेजी वगैरह खा रहे हैं, और ये तैमूर भाई अभी उठे हैं। तो इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, ख़त्म दो तीन पीस थे और ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलें जी, आएगा व्लॉग स्टार्ट हो गया है, तो चलते हैं अपनी अगली रूटीन की तरफ। अभी मैंने मुंह भी नहीं धोया, तो अभी उठे हैं तो मुंह वगैरह धोते हैं, फिर नाश्ता और खाना इकट्ठे हमने अभी करना है, तो अभी वो साथ करते हैं। अच्छा यार, अभी इतवार था, तो इतवार हम जाते हैं इधर मार्केट, तो मार्केट से कुछ सामान वगैरह लेके आना था, सब्ज़ी वगैरह, तो अभी सबसे पहले उधर जाना है, तो आपको भी विजिट करवाते हैं यहाँ के मार्केट के कैसी होती है। दरअसल इधर लगता है इतवार बाज़ार नज़दीक ही है हमारे, तो सब कुछ उधर एक जगह पे होता है, तो उधर से हम ले जाते हैं। तो चलें आपको भी दिखाते हैं। पकड़ रहा है ये जी, यहाँ की मार्केट जिसे कहते हैं कि एक जगह पर, जहाँ एक ऐसी जगह जहाँ आप हर एक चीज़ में असर होती है। ये है जी सब्जी की मार्केट, ये सारे गेट पर लगी हुई है। आम तौर पर जो इधर रेट होते हैं सब्जी के, वो बाइक से वो कम होती है। इधर व्लॉगिंग करना पब्लिक प्लेस में सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है, आवाज़ नहीं आती। अभी मैं इधर ही खड़ा हूँ, भाई लेने गए सब्ज़ी वगैरह और जो जो सामान चाहिए, तो रश इधर पहले आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रश है। अभी मतलब इधर थोड़ा कम हो गया, साथ जो भी जाते जाएंगे रश बढ़ता जाएगा, तो इस वजह से मैं जस्ट वीडियो भी बना रहा हूँ कि इधर क्या क्या चीज़ें हैं, तो आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ। ये है जी फ्रूट सेल, यानी फ्रूट की मार्केट, इधर जो है ड्राई फ्रूट वगैरह ये सारे एक जगह पे आपको मिलेगी। इधर बहुत ज़्यादा अंधेरी आ गई है, तो आगे जैसे बताया था कि बारिश आने वाली है, तो ये बारिश की शुरुआत मिलेगी। यार अभी जो शॉपिंग थी वो तो सारी कंप्लीट हो गई है, तो बाहर जो सीन है वो बारिश का तकरीबन बन गया हुआ था। ये देखिए रस्ता सारा, जो इनके जो छत थे, इनके जो सरपाल थे, वो तो नीचे गिर गए, इनके नीचे थे, अभी जगह बना के खुद ही गुजरना है। ये देखिए जी, ये है जी बाहर का सीन, ये देखिए। ये मौसम, कुछ लोग कहते हैं यार शॉपिंग वगैरह करके तो अभी आ गए, जो जो भी करनी थी, तो
अभी जो मौसम है बारिश थोड़ी बहुत हुई है इधर, मौसम बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा हो गया है। तो अभी नाश्ता वगैरह भी नहीं किया हुआ, तकरीबन उठे थे 12 बजे, और 12 बजे उठने के बाद ट्रैक्टर उधर ही चले गए थे, उधर से आके अभी घर आया इंशाल्लाह, जो जो चीज़ें लेके आनी थी। तो अभी इतवार है, इतवार के इतवार हमने बनानी होती है बिरयानी, तो अभी बिरयानी बनानी है क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा लगी है, नहाना है, नहा के फिर नमाज़ वगैरह पढ़नी है। तो अभी रेडी वगैरह हो गए हैं, तो सबसे पहले जाना है नमाज पढ़ने, क्योंकि टाइम तकरीबन हो चुका, 2 बजे हो गया, तो नमाज पढ़ने चलते हैं जी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज इतवार है, और ये हैं जी इतवार के मज़े, इधर बच्चे क्रिकेट खेल रहे, तो अभी जो रेस्ट टाइम है इनका, सब लोग भी बैठे हुए हैं, और जो ये ग्राउंड है इसका, ग्राउंड के कानून की धज्जियां उड़ाते हुए, क्योंकि ये जो पीछे लिखा हुआ है, खबरदार पार्क में क्रिकेट खेलना सख्ती से मना है, खिलाफ वर्दी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बच्चों का परवाह ही नहीं इस चीज़ की, और बस खेलते जा रहे हैं, इनको पता है हमने कौन सा बाद में भुगतना अगर कुछ हो भी गया। तो एक ये इतवार है, एक हमारा इतवार है। पहले जब हमारा इतवार होता था तो हम भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते थे, जब सुबह निकलते थे तो तकरीबन दिन के 11-12 इसी के अंदर गुजर जाते थे क्रिकेट खेलते हुए, और अगर जब शाम को जाते थे तो शाम का जो टाइम था ना, 5 से 7 गर्मियों में और 4 से 6 बजे सर्दियों में, यार ज़िंदगी का सबसे बेस्ट टाइम होता था, क्योंकि उस टाइम ही सब दोस्त इकट्ठे होकर कभी क्रिकेट खेलते थे, कभी बाहर निकल जाते थे। तो अब भी टाइम गुजर गया, गुजरा वक्त कभी हाथ आता नहीं, तो चलें अभी इन बच्चों का टाइम ये इंजॉय कर रहे हैं, कभी हमारा भी टाइम था हम भी इंजॉय करते थे। अभी खाने का टाइम हो गया, और नाश्ता और खाना हमारा एक साथ है, तो ये अभी बनाई है बिरयानी, और ये रायता, और यार वो किधर है, ये साथ लाइव मैच, नहीं नहीं मैच भी ये लाइव चल रहा है साथ, वो कोक किधर है, कोक भी ले गया, कोक के साथ पता यार बिरयानी जो है ना वो गले में अटक जाती है, तो वो आगे नहीं गुजरती, तो कोक तो साथ लाजमी है, ये साथ चल रहा है लाइव मैच। पाकिस्तान की पहली विकेट जो गिर गई थी वो 3 रन पर गिर गई थी, ऐसा स्पिक बना के आउट हो गए थे, और ये है जी अपनी कोक, ये क्या लिखा हुआ है, हाँ रिसाइकल मी, मतलब जो प्लास्टिक है उसका, वो कहते हैं रिसाइकल इसको किया करें ताकि जो दाया ना हो। तभी करते हैं नाश्ता और खाना एक साथ। अच्छा यार खाना वगैरह खाने के बाद फ्री हो तो हो गए हैं, आज जैसा बताया कि वीकेंड है, वीकेंड में कुछ खास रूटीन नहीं होती, जब टाइम जो गुजरता है वो सोने के टाइम में गुजरता है, उसके बाद कभी कोई मोबाइल लेकर इधर बैठ रहा है, कोई इधर बैठ रहा है। तो अभी जो है ये भाई हैं, ये बस अपने काम में मगन है, कल ही इन्होंने अपना जो फाइवर का अकाउंट है वो बनाया था, तो आज जब इन्होंने ओपन किया तो इनका एक प्रोजेक्ट मिल गया हुआ है, तो बस ये उस टाइम के खुश हैं, वही मतलब बनाने में लगे हुए हैं। तो चलें ये तो करते रहे अपना काम, मैं तो मतलब नहीं ओपन कर रहा, क्योंकि मैं तो बड़ी मुश्किल से उधर ऑफिस में अपना टाइम स्पेंड करता हूँ, मेरा क्या यार बैठे रहे बंदा लैपटॉप के सामने। तो जो आज का व्लॉग है करते हैं इधर ही एंड, तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह।